यूनिवर्सिटी के साइट पे अगर आपको कोई पीएचडी का फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, न्यू कैंडिडेट विदाउट एमडीयू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन के हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाते हैं। फिर हम अगेन यहाँ पर जाएंगे न्यू कैंडिडेट विदाउट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करने के बाद हम सीधा यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड बना है वो हम एंटर करेंगे, जो आपका आईडी पासवर्ड। इस आईडी पासवर्ड में हम इसको हटा देंगे क्योंकि ये यूज़र नेम है सिर्फ, ठीक है। और जब हम इसको हटाएंगे तो ये इसकी जो आईडी मुझे मिली है वो आईडी मैं आपको इसमें एंट्री करता हूँ। उस आईडी का तो वो आईडी है 712। सभी को आज मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा, पीएचडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एमडी यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, बाकी काफ़ी लंबा फॉर्म है ये और काफ़ी डिफरेंट तरह से भरता है। मैं भी काफ़ी परेशान था तो मैंने सोचा किसी कैंडिडेट की हेल्प हो जाएगी, और कोई ऐसा यूट्यूब पर या कहीं दिखा नहीं जिसने सही से एक्सप्लेन किया हो। तो ये एक्चुअली पीएचडी के लिए है ही, लेकिन सभी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं सबसे पहले तो हम एमडी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, उसके बाद एडमिशन्स में जाते हैं और फिर वहाँ से ये ऑप्शन मिलता है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्रिएट विद न्यू एमडी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से जनरेट कर लेंगे। उसके बाद एक आपको आईडी मिल जाएगी और पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर लॉगिन करोगे न्यू कैंडिडेट विदाउट एमडी रजिस्ट्रेशन नंबर, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे फिर जो आईडी आपको मिलेगी वो यहाँ पे एंटर करेगी। जैसे मैं अपनी आईडी को एंटर करता हूँ और मेरी आईडी क्या है तो भूल और गया है, ये है गाइस। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा अपनी इसकी और इसके बाद में सीधा इसको लॉगिन करा दूंगा गाइस, ठीक है। ये देखिए ये लॉगिन हो गया गाइस। अब मैं क्या करूंगा गाइस, तो यहाँ से मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये करनी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अब यहाँ से हम सारे पर्सनल डिटेल्स भर लेंगे। जो मैं भर लेता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा, तो पहला स्टेप अपना कम्प्लीट कर लेता हूँ फिर हम अगले स्टेप पर आते हैं गाइस। तो अभी हम इसको सारे को फिल करेंगे, तो जो वो कोई भी नॉर्मल बंदा कर लेता है तो कर लेना, फिर इसके बाद चलते हैं गाइस। ये पर्सनल डिटेल्स हमने फिल कर लिया और सारा एड्रेस फिल कर लिया, बायोमेट्रिक्स हो गई, सोशल एजुकेशन इनकम्प्लीट दिखा रहा है, पता नहीं कि इसको हम कर लेंगे। इसके बाद हम इधर जाते हैं गाइस, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नए बच्चे यहाँ पर नहीं जा पाते। तो ये न्यू एडमिशन देख रहे हो, इस पर क्लिक करिए, यहाँ से आगे अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन जाइए, यहाँ से आगे देन आपको ये काम करना है कि आप यहाँ इस कैप को फिल करिए, फिर आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी कैटेगरी से आते हैं, ये नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दीजिए अगर आप कोई हैंडीकैप नहीं है तो, इसके बाद क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएचडी यूआरएस ओनली, तो हम पीएचडी कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सेलेक्ट प्रोग्राम, हम किस प्रोग्राम में करना चाहते हैं गाइस वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने इलेक्ट्रिकल है, हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थोड़ा मुश्किल है। ECE guys, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग guys, ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद guys हम सीधा, कोई हमें रिलैक्सेशन तो guys चाहिए नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, ये कुछ हमें नहीं चाहिए तो आप सीधा सेव कर दीजिए। यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप सीधा यहाँ पाइए कि प्रोसीड टू पे फीस, लेकिन गाइस ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कोई गलती या कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग तो नहीं है। तो इसके लिए हम इधर जाएंगे,
और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे। ओके, तो ये भी कह रहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिमेनिंग पेंडिंग है, तो मैं पहले इनको अपलोड कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो आप भी कर लीजिए अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। सो गाइज, जब हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जैसे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है कि कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और यहाँ से सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स जो भी टाइप ऑफ। सबसे पहले हम एकेडमिक्स चेक कर लेते हैं कौन कौन से इन्हें अपलोड करना है। तो इसमें हम एकेडमिक्स में इसने मांगा है कि 10th का दीजिए, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे अपलोड करना है। तो मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं गाइस। तो ऐसे अपलोड करेंगे यहाँ पे, फिर आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स करोगे। 10th का करना है तो हम सबसे पहले 10th ले लेते हैं वही ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट डाल देते हैं 10th। उसके बाद फिर यहाँ से हम इसको अपलोड करते हैं, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आप भी कर लीजिए अपलोड गाइस। अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और यहाँ हम देख रहे हो कि नो डेटा टू बी डिस्प्ले, यानी कुछ भी नहीं बचता है। फिर अगेन हम लोग न्यू डेटा, न्यू एडमिशन में चले जाएंगे, और यहाँ से इसके बाद में हम एक बार और अकाउंट को चेक कर लेंगे, कुछ बचा तो नहीं है। तो बचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पता नहीं अभी भी ये एजुकेशन डिटेल को इनकम्प्लीट क्यों दिखा रहा है, समझ में बात नहीं आ रही। लेकिन कह जी, इसके बाद हम लोग पेमेंट फीस करते हैं पे, यहाँ से इफ एनी पे, तो यहाँ से होगा पेमेंट इसका। न्यू एडमिशन पे जाएंगे, यहाँ से फीस का पेमेंट होता है गाइस, और पेमेंट होता है तो हम यहाँ से करते हैं गाइस इस पेमेंट को। तो यहाँ से अब चले जाएंगे, फिर यहाँ से हम जाने के बाद इसका पेमेंट कर देंगे और फिर हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉपर पूरा प्रोसीजर है इस फॉर्म को भरने का। और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे पेमेंट के ऊपर, तो अब देखेंगे कि लिंक ओपन हो जाएगा। अंडरटेकिंग करवा रहा है कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन को लेके, तो इन्हें कंफर्म करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे टू मेक पेमेंट, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक प्रोसीजर है पूरा, कि कैसे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं फॉर PhD और MD यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए।